भुवनेश्वर थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस नाले में गिर गई, लेकिन उसमें सवार 18 बच्चे बाल बाल बच गए। दरअसल इनमें दो छात्रों को मामूली चोट आई है, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। नागपुर शहर में दो दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर में विविध घटनाएं सामने आ रही है। सोमवार को सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रही एक वैन अचानक ही नाले में जा गिरी। सुबह हुई इस घटना से परिसर में तहलका मच गया। इस वैन में 10 से ज्यादा बच्चे सवार थे। वैन गिरते ही परिसर के लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो नाले में छलांग तक लगा दी और वैन के कांच फोड़कर बच्चों को बचाया। इस घटना में दो बच्चों को चोट आई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साढ़े आठ बज रहे थे, उस समय घटना है। मैं रोड से मतलब घूमने के लिए बाहर निकला था, तो घूमने के लिए बाहर पे आए थे हम लोग। तो वैन एकदम रोड से आई और एकदम सीधे स्ट्रेट पानी के अंदर घुसी। पानी के अंदर जैसे ही घुसी, सबसे पहले ये मेरा दोस्त विक्की बगाड़े और साथ में सतीश सिंह सवान, वो और मैं स्पॉट पर मौजूद थे। वैसे ही घुसे पहले पानी के अंदर, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, और बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन जितने बच्चे निकले और एक दोस्त था जिसने कांच फोड़ के बच्चों को निकाला। कांच हमने फोड़े थे, मेरे मैंने फोड़ा था कांच, पूरा हाथ कटा हुआ है मेरा। पीछे के बच्चों से हमने 5 बच्चों को निकाले, बाकी इनने साइड के दरवाजे से 6-7 बच्चों को निकाले। और बाद में जो दो बच्चे थे उसको मैं पानी के अंदर घुसा, पानी के अंदर चेक किया, उसके बाद दो बच्चे अंदर दबे हुए थे। उसके बाद हमने कम से कम 20-25 लोगों ने वैन उठाए और उसके बाद दो बच्चों को निकाला गया, जिसमें से दो बच्चे मतलब जो दब चुके थे नीचे, वो थोड़ी क्रिटिकल थे, अभी ठीक है, इनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।